हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बुक्स एंड अथर। इसके महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे, 50 सवाल को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सेट नंबर 1 है, यानी जो बुक्स एंड अथर का जो सेट है वो 1 है। तो चलिए बिना देर के आगे बढ़ते हैं और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना सही हो रहा है 50 में से। हु रोट द फेमस बुक वे द पीपल, यानी वे द पीपल के जो राइटर है वो कौन है। तो डायरेक्ट मैं आंसर बतलाते चलूंगा, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। दो नंबर सवाल देखते हैं कि हु इज द राइटर ऑफ द बुक 1984, इसके जो राइटर हैं वो कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी दो का सी हो जाएगा, यानी जॉर्ज ऑरवेल। चलिए आगे बढ़ेंगे। तीन नंबर सवाल देखते हैं कि हु इज द ऑथर ऑफ बुक फॉरबिडन वर्सेस, इसके जो राइटर हैं कौन है। तो इसका राइट आंसर हो गया, यानी तीन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अबू नवास हैं इसके राइटर। यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज बीन रिटन बाय विक्रम सेठ, विक्रम सेठ के द्वारा कौन सा बुक्स है जो लिखा गया है, क्या होगा इसका राइट आंसर बतलाना है आपको। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अ सुटेबल बॉय। पांच नंबर सवाल देखते हैं, Who wrote the line "A thing of beauty is a joy forever"? ये जो लाइन है, सेंटेंस है, ये किसने लिखा था। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए यानी जॉन किट्स। यहाँ पे सिक्स नंबर सवाल देखते हैं कि Who has written the book "My Frozen Troubles in Kashmir"? ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी सिक्स का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। देखिए सेवन नंबर सवाल देखते हैं, द बुक टू लिव और नॉट लिव, इसके राइटर कौन है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो सेवन का ऑप्शन नंबर भी डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, निराज सी चौधरी। यहाँ पर देखिए, अ वॉइस फॉर फ्रीडम, इसके जो राइटर हैं कौन है, क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, आठ का, तो बी नयनतारा सहगल इसके राइटर हैं। यहाँ पे देखिए नौ नंबर सवाल देखते हैं कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, जो फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसे बोला जाता है या किसे जाना जाता है, तो आप जानते भी होंगे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो मैं बता देता हूँ आपका, तो सी यानी जॉफ्री चौसर को बोला जाता है। दस नंबर सवाल देखिए, हु रोट वार एंड पीस, इसके राइटर कौन है। तो दस का क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए यानी लिव टॉल्स्टॉय, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है 50 में से। विच ऑफ द बुक वॉज रिटन बाई ग्राहम ग्रीन, इनके द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है ये बतलाना है। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, ए बी सी डी जो भी है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो 11 का ऑप्शन नंबर बी यानी द पावर एंड ग्लोरी लिखा गया इनके द्वारा। और यहाँ पे हम लोग 12 नंबर सवाल देखते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यानी जीबी शॉ द ग्रेट ड्रामेटिस्ट वाज, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, एन एरिश मैन। 13 नंबर सवाल देखते हैं कि द फेमस बुक आनंद मठ, आनंद मठ का नाम सुने होंगे, तो इसके जो राइटर हैं आनंद मठ के वो कौन है, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर इसका भी बी होगा, यानी बमकिन चंद चट्टोपाध्याय या चटर्जी बोला जाता है इनको, तो वही है जो लिखे हैं आनंद मठ। और यहाँ पे अरविंदो यानी अरविंदो घोष वॉज द ऑथर ऑफ, यानी अरविंद घोष जो है वो किस बुक के अथर हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी सावित्री के राइटर हैं कौन, अरविंदो घोष। 15 नंबर सवाल लिखते हैं, हु सेड यानी किसने बोला था, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देम सेल्फ, ये जो सेंटेंस है किसके द्वारा बोला गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे ए बी सी डी जो भी है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे दिया गया है 16 नंबर सवाल की द गैदरिंग स्टॉर्म इज रिटन बाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, द गैदरिंग स्टॉर्म इज रिटन बाई किन के द्वारा लिखा गया है, और यहाँ पे ये राइटिंग मिस्टेक है तो क्या हो जाएगा, यानी 16 का ऑप्शन नंबर यही इसका राइट आंसर होगा, चर्चिल के द्वारा लिखा गया है ये। और यहाँ पे देख सकते हैं हु इज द ऑथर ऑफ बुक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एक एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये यानी महात्मा गांधी ने लिखा था। यहाँ पे हम लोग 18 नंबर सवाल देखते हैं हु इज द राइटर ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया ये भी बहुत सारे एग्जाम में, तो जो स्वामी एंड फ्रेंड्स हैं इसके जो राइटर हैं वो कौन है, तो 18 का क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी होगा यानी आर के नारायण है। और यहाँ पे देख सकते हैं 19 नंबर सवाल की अ सेकुलर एजेंडा, जो अ सेकुलर एजेंडा इज अ बुक रिटन बाई किन के द्वारा लिखा गया है, तो 19 का क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा यानी अरुण सूरी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे 20 नंबर सवाल देखते हैं हु सेड मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, तो ये किसने बोला था इस सेंटेंस, तो इसका 20 का क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो आप अरस्तु हिंदी में जानते हैं नहीं, अरिस्टोटल बोले थे, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग द फेमस कैरेक्टर पिकविक वाज क्रिएटेड बाय, ये जो फेमस कैरेक्टर है किसके द्वारा क्रिएट किया गया है, 21 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी यानी चार्ल्स डिकेंस के द्वारा ये क्रिएट किया गया है। 22 नंबर सवाल देखते हैं द जनरल हैप्पीनेस इज द एंड ऑफ द स्टेट हु सेड दिस, यानी ये जो सेंटेंस है स्टेटमेंट है किसके द्वारा बोला गया है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल देखते हैं द क्रिएटर ऑफ शेरलॉक होम्स, यानी इसके क्रिएटर कौन है, यानी 23 नंबर का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर यानी 24 नंबर सवाल देखते हैं हु इज द ऑथर ऑफ बुक वी इंडियंस, वी इंडियंस के जो असर है वो कौन है, 24 का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 24 का सी यानी खुशवंत सिंह इसके राइटर है। 25 नंबर देखते हैं इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स, इसके राइटर कौन है, इस बुक के राइटर कौन हो जाएंगे, तो 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो भी एम कामत यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 26 नंबर सवाल देखते हैं गीतांजलि हैज़ बीन रिटन बाय, गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया है और बहुत ही फेमस ये बुक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया ये, और इसी पे इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1913 में। और यहाँ पे 27 नंबर सवाल देखते हैं ट्रेजडी एंड्स विथ, जो ट्रेजडी होता है वो एंड्स होता है, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यानी 27 का, तो बी यानी सौरव। देखिए यहाँ पे ट्रेजडी की बात हो गई, तो यहाँ पे दिया गया है 28 नंबर कॉमेडी एंड्स विथ, जो कॉमेडी होता है वो एंड्स विथ, तो ट्रेजडी तो यहाँ पे कॉमेडी की बात की जा रही है, तो क्या होगा हैप्पीनेस होगा यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए अब दिया गया ये जो हेमलेट इज ए, यानी हेमलेट कैसा है, ट्रेजडी है कि कॉमेडी है कि फारसी की क्या है, तो आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, तो हेमलेट क्या है, तो 29 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा यानी ट्रेजडी है ये। ऐसे भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे देखिए 30 नंबर सवाल किंग लियर इज ए, यानी जो किंग लियर है और किंग लियर के कौन है राइटर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा, तो ये क्या है, कॉमेडी ड्रामा पोएट्री या क्या है, तो क्या होगा
का ऑप्शन नंबर बी यानी ड्रामा है ये। यहाँ पे देखिए विजन ऑफ जजमेंट, जो विजन ऑफ जजमेंट है वो यानी रिटन हुआ है किसके द्वारा, यानी लिखा किसके द्वारा गया है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा यानी लॉर्ड बैरन। वर्ड्स वाज ए, क्या थे नॉवलिस्ट, ड्रामा आर्टिस्ट या पोएट या नन ऑफ दीज, तो 32 का क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो पोएट थे विलियम वर्ड्सवर्थ। 33 नंबर देखते हैं, ये सवाल पूछा गया था आपको एग्जाम में यानी एसटीटी के एग्जाम में, शायद यही पूछा गया था। ओथेलो इज ए कॉमेडी ट्रेजडी या पोएम या स्टोरी, तो क्या है इसका राइट आंसर, यानी 33 का क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ये ट्रेजडी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं पमेला वाज रिटन बाय, ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है, और ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सैमुअल रिचर्डसन यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 35 नंबर, प्राइड एंड प्रेजुडाइज वाज रिटन बाय, ये जो है ये भी फेमस है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो किसके द्वारा लिखा गया है, तो 35 नंबर का क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जॉन ऑस्टिन। और यहाँ पे हम लोग अनटचेबल एंड कुली जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, अनटचेबल एंड कुली किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर सवाल देखते हैं, आर्म्स एंड द मैन इज रिटन बाई, किसके द्वारा ये लिखा गया है, तो 37 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीबी शॉ। यहाँ पे इंग्लिश इज यूज्ड इन चाइना एज अ डैश लैंग्वेज, ये कमेंट बॉक्स में आप आंसर बतलाएंगे कि किस रूप में यूज किया जाता है चाइना में इंग्लिश, चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा। यहाँ पे महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन, महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा लेसन लिखा गया है, तो 39 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। 40 नंबर सवाल देखते हैं, आई हैव अ ड्रीम, ये आई हैव अ ड्रीम ये किसके द्वारा लिखा गया है, यानी 40 नंबर का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है ये। भारत इज माई होम ये किसके द्वारा लिखा गया है, क्या होगा इसका राइट आंसर, यानी 41 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया ये। और यहाँ पे अ पिंच ऑफ स्नॉफ ये किसके द्वारा लिखा गया है, क्या होगा इसका राइट आंसर, यानी 42 का, तो मनोहर मालगोंकर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए जॉन डन हैज रिटन द पोएम, कौन सा पोएम लिखे हैं, तो इसका यानी 43 का ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। हाउ फ्री इज द प्रेस ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो क्या होगा इसका यानी 44 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर से अ टेल ऑफ अ ट्यूब ये किसके द्वारा लिखा गया है, यानी 45 का ऑप्शन नंबर होगा सी राइट आंसर यानी स्विफ्ट। 46 नंबर देखते हैं, हु इज द राइटर ऑफ द बैटल ऑफ द बुक्स, इसके राइटर कौन है, तो यानी 46 का ऑप्शन नंबर भी सी होगा इसका राइट आंसर, स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया ये द बैटल ऑफ द बुक्स। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 47 नंबर, द फैमिली रीयूनियन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये किसके द्वारा लिखा गया, यानी 47 का, तो टी एस एलियट है जो लिखे हैं इसको। 48 नंबर देखते हैं, कैंडिडा जो कैंडिडा है ये फेमस वर्क किनका है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो कैंडिडा किसका है, तो 48 का क्या हो जाएगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यानी जी बी शॉ के द्वारा ये लिखा गया है।
49 नंबर देखते हैं, एज यू लाइक इट, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। आज का लास्ट सवाल देखते हैं, टॉम जॉन्स, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, तो इस मतलब ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, यानी हेनरी फील्डिंग। तो ये थे 50 सवाल, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।